मोकामा थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। आने वाली सरस्वती पूजा को लेकर मोकामा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में मोकामा के नव निर्वाचित वार्ड पार्षद सहित मोकामा के सरस्वती पूजा समिति के आयोजक भी पहुंचे थे। नगर अध्यक्ष नीलेश कुमार, थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने सभी से आग्रह किया कि पूजा में डीजे न बजाएं। हमारे मोकामा नगर परिषद के सभापति महोदय एवं वार्ड पार्षद, विद्यार्थी, जो भी हमारे थाना क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम अपना कीमती समय निकाल कर, चाहे आप पूजा कर भी रहे हैं, तब पर भी कीमती समय अपना निकाल कर हमारे परिसर में आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं 26 जनवरी को, इसी दिन सरस्वती पूजा है, और 26 जनवरी में हमारे यहाँ माने एक ये थाना परिसर जहाँ भी है सरकारी संस्था है, लोग पर्व खास करके पुलिस वाले बहुत अच्छे से मनाना चाहेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी माने एक दिन सरस्वती पूजा भी हो गया विद्यार्थी के लिए, और हम लोग का तो स्पेशल पर्व है। उस पर्व में जितने भी आए हुए हैं गणमान्य व्यक्ति, जहाँ तक हो सकेगा सबको निमंत्रण कार्ड जाएगा ही, कुछ विद्यार्थी है जिसपे नहीं जा पाएगा, इसलिए अभी मौखिक मैं सभी को आमंत्रण करना चाहूँगा कि 26 तारीख को अपना बहुमूल्य समय निकाल कर 9:45 में हमारे यहाँ झंडा उत्तोलन का समय है, ज़रूर उपस्थित होंगे। पूजा पर हम लोग चलते हैं। महेश जी जैसे बताए, अब पहले भी बात हो चुकी है, जितने भी वार्ड पार्षद महोदय हैं, कम से कम ये जरूर कीजिएगा, हर विद्यार्थी आपके वार्ड से नहीं आया होगा, ये कहीं कोई आदमी घर में भी बिठा लेता है या कोई समाज में बिठा लेता है, घर घर का पूजा सरस्वती पूजा माना जाता है, आदमी कर ही लेता है, जो विद्यार्थी अपना पढ़ता है कर लेता है, लेकिन अपने समाज में जो विद्यार्थी नहीं आया होगा, कम से कम उसको अवगत करा देना है कि ऐसा नहीं करना है कि किसी दूसरे को परेशानी इसमें हो, चाहे डीजे बजाए, कोई अश्लील गाना नहीं बजाए जिससे कि दूसरे को कहीं इफेक्ट हो। जनरली तो ये देखा जाता है, हम तो देखे हैं भाई, जितना सरस्वती पूजा करता है 80% विद्यार्थी नहीं रहता है, मात्र 20% ही विद्यार्थी रहता है, 80% उसमें क्या रहता है, लफुआगिरी रहता है, गंजक्कर वाला जितना रहेगा ना सब उसी का सदस्य रहता है। इसीलिए कम से कम हम जरूर बोलेंगे, हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अभी हिंदू धर्म का है, कम से कम हिंदू धर्म की गरिमा को रखिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म वाले, चाहे कोई भी धर्म हो, अपने धर्म का हर आदमी चाहता है कि कम से कम जो जिस धर्म से पूजा पाठ करते हैं कम से कम उसका गरिमा हो, ये नहीं कि अश्लील गाना बजाइए, कोई अदर आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा, वो कम से कम भोजपुरी या आपके बताए भी वो सब कम से कम नहीं बजने दीजिएगा, ठीक। आज यहाँ उपस्थित हैं थाना प्रभारी महोदय, हम लोग इस थाना परिसर में हैं, और यहाँ तमाम उपस्थित पार्षद महोदय हैं, और यहाँ तमाम जो समितियाँ हैं उनके जो संयोजक हैं, जो आयोजक हैं, सभी को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग का पूजा है सरस्वती पूजा 26 तारीख को, उसमें जो आया है कि भाई किस तरह हम लोग को पूजा करना है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है किस तरह को मूर्ति, किस दिन में मूर्ति को बैठाना है, किस दिन विसर्जन करना है और कैसे विसर्जन करना है, तो अभी सारी बिंदुओं पर बात हुई कि किस तरह से पूजा होना है, और हम भी यही कहेंगे कि सरस्वती पूजा शिक्षा की देवी है, और हम लोग अच्छे तरीके से शांति ढंग से माता का पूजा करें, अच्छे तरीके से करें, कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो, शांति बनी रहे। और एक बात डीजे वाली आई है कि अधिक देर रात्रि में हम लोग डीजे का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि डीजे से जो बीमार लोग हैं, क्योंकि वृद्ध लोग भी बहुत हैं, तो उन लोग को परेशानी होती है, तो ऐसा मैंने हम लोग को बाजा नहीं बजाना है जिससे किसी को दिक्कत हो जाए, तो शांति ढंग से अच्छे तरीके से हम लोग को यह फेस्टिवल मनाना है। यही चाहते हैं कि आपका भी योगदान तो मिलता ही है, शांतिपूर्ण रहता ही है, बाकी डीजे उजे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कहीं के गाने वही जो सब नाम अपना महेश जी बोले डीजे, वहीं डीजे पे वहीं दिक्कत होता है, तो कहीं कोई दिक्कत होता नहीं। दूसरा चीज़ सरस्वती पूजा मलियाघाट का जो होता है वहाँ हाथी का एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहते हैं रोड अथी में, तो आज तक तो उसमें भी दिक्कत कभी नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ा आप अपने नज़र से देख लीजिएगा, क्योंकि सब दिन आए हैं तो थोड़ा रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। सबको सबसे पहले सबको हमारा प्रणाम नमस्कार आदाब। हमारा सबसे पहला तो एक एजेंडा है
कि मोकामा गंगा जमुना तहजीब का एक इतिहास है जो सब लोग जानते हैं। 75 के बाद सर मैं आपको बता दूं, आप नया है काला मोकामा में, 75 के बाद हमने कभी मोकामा में हिंदू मुसलमान नहीं देखा और शायद आप लोग भी नहीं देखा है। हम लोग भाईचारे के साथ मोकामा में चले हैं और इंशाल्लाह सब चलेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। द्वितीय सम्मेलन जो इसमें हो रहा है, इसमें इंस्पेक्टर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं और जो बच्चे उठा रहे हैं, यानी जितने बार सदस्यगण हैं वो बाढ़ के अपने गार्जियन हैं। अगर बाढ़ से जानकारी नहीं दीजिएगा कि ऐसे डीजे बज रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत आदमी बच्चे लोग नहीं आए हैं, तो अपने अपने जो भी वार्ड सदस्य हैं अपने वार्ड में देख लें कि किसका हाथी घूरा किसका घोड़ा, और सब सर को जानकारी दें और शांति ढंग से, ही नहीं कि कोई बीमारी है डीजे बजा रहे हैं तो सर को जो नियम कानून है तो डीजे फिर यहाँ आ जाएगा तो फिर छोड़ाने के लिए तो सर कैसे छोड़ेंगे। इसलिए एक बार आप लोग मान जाइए कि जो कानून के प्रोटोकॉल में है उसका, मैं जितने गार्जियन लोग हैं यानी वार्ड पर्षद मिक्स गार्जियन, वो अपने वार्ड में शांति ढंग से ऐसा करें कि इस डेट में कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर भोजपुरिया जो है ना वो कुहर सॉन्ग नहीं बजाना है, आप लक्ष्मी सरस्वती का अपमान मत करिए, धर्म का मखौल मत उड़ाइए, विनम्र निवेदन है आप लोगों से। आज का यह आयोजन किया गया है कि सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम को चलाया जाए। आज तक का इतिहास रहा है कि मकाम में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, सब लोग मिलजुल के सारे कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं और इस बार भी देंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार होगा क्योंकि सभी महिलाएं भी जीती हैं, ये लोग इन लोगों का भी योगदान रहेगा, सारे वार्ड आयुक्तों का योगदान रहेगा। इस बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा, शांतिपूर्वक हो जाए। उनसे एक गुजारिश करेंगे जो मूर्ति विसर्जन है डीजे का तो प्रयोग बिल्कुल ना करें और ऐसा व्यवस्था करें कि मूर्ति जो पहले हम लोग बच्चा में लगाते हैं सरस्वती जय जय, उसी तरह का कुछ उद्घोषण के साथ ही विसर्जन करें तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा और जितना विवाद का जड़ है वो वही डीजे है, इसलिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।